अच्छा, हम क्लासिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन पढ़ रहे थे और इसमें हमने देख लिया था नॉलेज इंफॉर्मेशन। अभी इसमें दो इंफॉर्मेशन और है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब है ऑर्गेनाइजेशनल ऑर्गेनाइजेशनल इंफॉर्मेशन डील्स विद एन ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट कल्चर लाइट लाइट ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशनल इंफॉर्मेशन की बात हो रही है, डील्स विद ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट कल्चर, मतलब कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जैसे कोई कंपनी है, कंपनी की काफी सारी ब्रांचेस रहती हैं, तो उनके अंदर का एनवायरनमेंट कैसा है। एनवायरनमेंट का मतलब वर्किंग एनवायरनमेंट की बात हो रही है, कल्चर कैसा है वहां पे, मतलब रिलेशन अच्छे हैं या मतलब सिर्फ काम से रिलेटेड बातें होती हैं वो। ठीक है, तो ये इसका मतलब है। इसी में आगे समझे तो कार्ल ब्रूक्स ऑर्गेनाइजेशनल इंफॉर्मेशन थ्योरी एम्फसाइजेस दैट एन ऑर्गेनाइजेशन रिड्यूसेस इट्स ईक्यू UVOCA LITY और अनसर्टेन अनसर्टेनिटी बाय कलेक्टिंग मैनेजिंग एंड यूजिंग दीज इंफॉर्मेशन प्रूडेंटली। ठीक है, तो कार्ल विक्स आदमी का नाम है, बोल रहा है उसकी जो ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी है उसके हिसाब से क्या है, एम्फसाइज दैट एन ऑर्गेनाइजेशन रिड्यूसेस इट्स इक्विवेकलिटी और अनसर्टेनिटी बाय कलेक्टिंग मैनेजिंग एंड यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन प्रूडेंटली। तो ये कह रहा है कि जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो अनसर्टेनिटी होती है, अनिश्चितता होती है, उसको वो कैसे कम करते हैं, उसके लिए वो कलेक्ट करते हैं, ठीक है, मैनेज करते हैं एंड यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन प्रूडेंटली, और अलग अलग इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उसको मैनेज करते हैं ताकि जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का जो अंदर का वर्किंग एनवायरमेंट है वो उसको ठीक तरीके से कंट्रोल कर सके। अगर दिस इंफॉर्मेशन इज यूज्ड बाय एवरीबडी ये जो ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लोग होते हैं वो उसको यूज करते हैं, इन द ऑर्गेनाइजेशन लेके तो मैं इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जैसे एग्जांपल अगर लें इसके, एग्जाम्पल हो जाएंगे जैसे कि आपका पेरोल इंफॉर्मेशन। ठीक है, पेरोल इंफॉर्मेशन क्या होता है कि जैसे हर ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में एक पेरोल सिस्टम होता है, उसमें इंप्लॉयज की सैलरीज का डिटेल होता है,
तो जाहिर सी बात है, इस तरह का अगर कोई सिस्टम होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो जितने भी मैनेजर लेवल के लोग होंगे, अकाउंट डिपार्टमेंट होगा, वो सब उसको यूज करेंगे। कितने एम्प्लॉई है, क्या उनकी आईडी है, क्या उनका मतलब सैलरी पैकेज है, तो वो सारा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर शेयर होता है। अब हमारा फंक्शनल ऑब्लिक OPERATIO ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन। दिस इज ऑपरेशन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जाम्पल डेली शेड्यूल्स इन ए मैनी एक्शन प्लांट दैट रेफर्स द डिटेल असाइनमेंट ऑफ जॉब्स टू मशीन्स एस मशीन्स टू ऑपरेट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, दिस इज ऑपरेशन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। अब जैसे इसमें क्या फंक्शनल इंफॉर्मेशन की बात हो रही है, कि जैसे किसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जो है कोई मशीन किस तरह से काम करती है, तो उसकी इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए ना, ताकि कोई दूसरा आदमी अगर उसे करना चाहे तो वो कैसे करेगा। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन क्या होती है, शेयर करी जाती है अलग अलग एम्प्लॉयज के बीच में, ताकि वो किसी भी मशीन को चलाना सीख सकें। अच्छा, अब है डाटाबेस इंफॉर्मेशन। तो डाटाबेस इंफॉर्मेशन की अगर बात करें, तो जाएगा डाटाबेस इंफॉर्मेशन कंट्रीब्यूट्स लार्ज quantities of information that has multiple USUAGE and application. Such information is stored, retrieved, and managed to create databases. ठीक है, तो डाटाबेस इंफॉर्मेशन कंस्टिट्यूट लार्ज क्वांटिटीज ऑफ इंफॉर्मेशन दैट हैज मल्टीपल यूजेस एंड एप्लीकेशन। ये तो ये बोल रहा है कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वहां पे डाटाबेस होते हैं, और डाटाबेस के अंदर जैसी बात है इंफॉर्मेशन होगी जिसका कि काफी मतलब अलग अलग तरीके से उसका यूज होता है। इस तरह की इंफॉर्मेशन स्टोर करी जाती है और उससे कोई डाटा उसमें निकाला जाता है और फिर उसको मैनेज किया जाता है, जिससे कि हम डाटाबेस को बना सकें। ठीक है, और डाटाबेस अधिकतर जनरल पर्पज होते हैं, मतलब कि जो डेली बेसिस के जो काम है उस तरह का जो डिटेल है वो इसके अंदर रहता है। जैसे एग्जांपल की बात करें, फॉर एग्जांपल मटेरियल स्पेसिफिकेशन और सप्लायर इंफॉर्मेशन is stored for multiple users. अब जैसे एग्जांपल दिया कि भाई ये कहाँ पे यूज हो रहा है,
तो जैसे मान लिया कोई प्लांट है और प्लांट में कुछ सामान खरीदने की जरूरत पड़ी कोई, ठीक है, मटेरियल, तो जाहिर सी बात है वो उनके कुछ वेंडर फिक्स होंगे, या मतलब कि किस जगह से उन्हें खरीदना, उसका डिटेल जो है उनके डाटाबेस में सेव होगा। तो आप देखो परचेज डिपार्टमेंट अलग होगा और अकाउंट डिपार्टमेंट अलग होगा, तो दोनों आपस में बातचीत करेंगे। तो बातचीत करने के लिए बोलेंगे भैया डेटाबेस में, डेटाबेस है उसमें डिटेल निकाल ले कि ये मटेरियल है और इस प्राइस का मिलता है और ये हमारे यहाँ यहाँ से खरीद सकते हैं। तो वहां पे हमारी डाटाबेस इंफॉर्मेशन यूज होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ये थी, हमने यहाँ पे समझा कि इस पूरे कॉन्सेप्ट में जो अभी तक हम समझ चुके हैं कि इन्फॉर्मेशन क्या होती है, डाटा क्या होता है उसको हमने देखा, है ना। और जैसे डाटा तो आपका रॉ हो गया, इन्फॉर्मेशन होगा होगी हमारी प्रोसेस, डाटा हो गया वो इन्फॉर्मेशन होती है। फिर हमने समझी कि इन्फॉर्मेशन को कलेक्शन की टेक्निक क्या होती है, जैसे सर्वे हो गया, सर्वे के थ्रू हम कलेक्ट कर सकते हैं, इंटरव्यू के थ्रू कलेक्ट कर सकते हैं, और हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, सेकेंडरी सोर्सेस से हम ले सकते हैं डाटा, किसी दूसरी कंपनी की वेबसाइट से, मैगजीन से। फिर हमने समझा कि इन्फॉर्मेशन को किस तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। तो हमने समझा उसको कैरेक्टरिस्टिक्स और उसकी एप्लीकेशन के आधार पे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर हमने देखा कि उसको तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते थे, स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल और ऑपरेशनल। ठीक है, डिटेल में नहीं जा रहा हूँ मैं। उसके बाद में हमने जो एप्लीकेशन है उसके आधार पे हमने देखा कि इसको हम जो इन्फॉर्मेशन होती है वो प्लानिंग इन्फॉर्मेशन होती है, कंट्रोल इन्फॉर्मेशन होती है, मतलब कोई प्लान बनाने के लिए जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो प्लानिंग इन्फॉर्मेशन होती है। कोई भी इम्प्लॉय या कोई भी डिपार्टमेंट किस तरह से काम करे उसको कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल इन्फॉर्मेशन होती है। ऑर्गेनाइजेशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर मतलब जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट कैसा है वो सारी डिटेल इसके अंदर रहती है। नॉलेज इन्फॉर्मेशन, किसी भी इन्फॉर्मेशन के बारे में ज़्यादा डिटेल जो होती है वो नॉलेज इन्फॉर्मेशन होती है। फंक्शनल और या फिर ऑपरेशनल इन्फॉर्मेशन की अगर कोई जैसे जो रूट लेवल पे होती है कि एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो अलग अलग मशीनें हैं या किस तरह से डाटाबेस, किस तरह से हमें फाइल्स में एंट्री करनी है, तो इस तरह का जो डिटेल होता है वो फंक्शनल इन्फॉर्मेशन होता है। और लास्ट में डाटाबेस इन्फॉर्मेशन, जिसमें मैंने वेंडर ये इसका एग्जांपल दिया कि कोई भी चीज़ अगर आपको खरीदनी है जिसमें सप्लायर की इन्फॉर्मेशन होगी, मटेरियल कहाँ से आना है उसकी इन्फॉर्मेशन होगी, तो डाटाबेस आपका जनरल पर्पज होता है जो कि कोई भी यूज कर सकता है। अब हम तो हमने डाटा समझ लिया, इन्फॉर्मेशन समझ लिया, अब हम समझते हैं कि इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है। तो हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। व्हाट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम? ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार आ जाता है। पहले मैं इसको लिख देता हूँ, एन इंफॉर्मेशन सिस्टम सिस्टम इज डिफाइंड as the software, comma hardware that helps organize and analyze data. ठीक है, एनालाइज। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन सिस्टम की क्या वाली जो रही है कि ये इसको हम कह सकते हैं कि ये एक सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर होता है जो कि हमें डाटा को का अध्ययन करने में और उसको ऑर्गेनाइज करने में मदद करता है। ठीक है, आगे हम इसको देखते हैं। ये हो जाएगा द पर्पस ऑफ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम इज टू टर्न रॉ डाटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन दैट कैन बी यूज फॉर डिसीजन मेकिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब क्या बोला कि भाई इसका पर्पस क्या है? अब इंफॉर्मेशन सिस्टम पढ़ रहे हैं हम, इंफॉर्मेशन पढ़ लिया, डाटा पढ़ लिया, लेकिन कुछ पर्पस तो होगा। तो द पर्पस ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम इज व्हाट?
टर्न रॉ डाटा, मतलब जो हमें रॉ डाटा मिलता है, रॉ डाटा प्रोसेस होकर इन्फॉर्मेशन मिलता है, उस रॉ डाटा को हमें क्या करना है, यूजफुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना होता है, जिससे कि क्या कर सके, दैट कैन बी यूज फॉर डिसीजन मेकिंग। और उस डाटा का यूज हम क्या कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग में कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी जैसे कोरोना का एग्जाम्पल ले लो, कि जब तक इसमें क्या था, जब ये डिसीजन लिया गया कि अगर किसी भी स्टेट में मतलब रेड ग्रीन और येलो जो रेड ऑरेंज और ग्रीन जोन है, ठीक है, वो रेड ग्रीन और ऑरेंज जोन किस बेस पर है, वो है आपके नंबर ऑफ केसेस के बेस पर, कि जहाँ पे कम केसेस होंगे, जहाँ पे केस नहीं होंगे वो रेड ग्रीन जोन होगा, जहाँ पे कम केस होंगे वो ऑरेंज, और जहाँ पे ज्यादा केस होंगे वो रेड जोन, और उसके हिसाब से वहां के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बन जाएंगे। तो ये क्या है, ये जाहिर सी बात है डाटा कलेक्ट किया जा रहा है, मतलब अगर इसी केस के किसी एक मोहल्ले में केस आया तो उसकी रिपोर्टिंग हो जाएगी और वो डाटाबेस में सेव हो जाएगा, है ना। जाहिर सी बात है इंटरनेट का यहाँ पे यूज किया जा रहा है, लेकिन पहले लोकल सेव होगा और फिर वो डाटा शेयर कर दिया जाएगा। तो यही तो काम है इंफॉर्मेशन सिस्टम का, कि इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या करता है, रॉ डाटा क्या था, कोई एक केस, और फिर उस रॉ डाटा को क्या कर दिया कि भाई कहाँ पे ये कोविड का पकड़ा गया, ऋषिकेश के 20 बीघा में पकड़ा गया है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन मतलब उसको प्रोसेस कर दिया गया सिक्वेंस में और स्टोर कर गया डाटाबेस में, तो वो एक इन्फॉर्मेशन सिस्टम बन गया। और पूरे ऋषिकेश में कितने केस हैं भाई, 10 हैं 15 हैं जितने भी हैं, तो ताकि उसके बेस पर हम डिसीजन ले सकें कि ऋषिकेश को रेड में रखा जाए, ग्रीन में रखा जाए या फिर ऑरेंज में रखा जाए। अच्छा, अब यहाँ पे आती है चीजें कुछ, GENERAL जनरल पर्पस वर्सेस स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ पे दो तरह के सिस्टम की बात हो रही है, कि जनरल पर्पस इंफॉर्मेशन सिस्टम और स्पेशलाइज इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इसको समझते हैं इसका क्या मतलब है, मतलब कि कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन सिस्टम हमारे दो तरह के हो सकते हैं, या इनका क्लासिफिकेशन दो तरह का होता है, जनरल पर्पस इंफॉर्मेशन सिस्टम और स्पेशलाइज इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो क्या है, बड़ा आसान है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, देयर आर सम जनरल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, फॉर एग्जाम्पल ए डाटाबेस मैनेज मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि DBMS इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड डाटा दैट मेक्स इट पॉसिबल टू ऑर्गेनाइज एंड एनालाइज डाटा DBMS सॉफ्टवेयर इज टिपिकली नॉट डिजाइंड टू वर्क विद ए स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन और ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ एनालिसिस लेसिस।
ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देयर आर सम जनरल टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन सिस्टम, की कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं जो कि एक जनरल टाइप के होते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या बोला, डीबीएमएस. तो डीबीएमएस आप पहले पढ़ चुके हो, जिसमें कि हमारे पास अलग अलग डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं. एमएस एक्सेस हो गया, है ना, या फिर एसक्यूएल सर्वर हो गया, या फिर कोई भी और जो इन्फॉर्मेशन क्या नाम है हमारा डीबीएमएस है. तो वो क्या है, वो कॉम्बिनेशन, उसमें सॉफ्टवेयर होता है और उसमें डाटा होता है. उससे क्या है, दैट मेक्स इट पॉसिबल टू ऑर्गेनाइज एंड एनालाइज डाटा. तो उसमें हम डाटा को क्या कर सकते हैं, काफी अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं, उसका हम एनालिसिस भी कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, है ना. और भी काफी सारे फायदे होते हैं डीबीएमएस के, हालांकि अभी हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं. अभी हम ये समझ रहे हैं कि वो एक इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, क्योंकि उसमें इन्फॉर्मेशन रखा जा रहा है और वो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस भी होती है और वो एक सिस्टम की तरह कार्य कर रहा है ना. तो ये क्या है, इज नॉट डिजाइन टू वर्क. अब लेकिन डीबीएमएस क्या है, किसी स्पेसिफिक नीड के हिसाब से नहीं बना हुआ है. अब इसका क्या मतलब हो गया, इसके एग्जाम्पल को अगर हम समझें कि सपोज तुम्हारा कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर उसमें नॉर्मली हम जैसे एमएस एक्सेल वर्ड पावर पॉइंट यूज करते हैं. तो कोई मान लिया किसी एक घर में वो कंप्यूटर है, तो कोई उसमें गेम खेल लेगा, कोई उसमें, किसी के फादर जॉब करते हैं तो वो उसमें एक्सेल में कुछ शीट बना लेंगे, कोई मूवी देख लेगा, कोई कुछ कर लेगा. तो मतलब वो एक जनरल पर्पज है कि छोटी छोटी चीजें उसमें, और कोई डाटा को उसमें मैनेज कर रहा है. कंप्यूटर एक ही है लेकिन काम अलग अलग हो रहे हैं. जनरल पर्पज है कि भाई कोई भी छोटा मोटा काम है कर लें. लेकिन कई बार ऐसा होगा कि जैसे सपोज साइंटिफिक कंप्यूटर होते हैं, तो लेकिन आपका कंप्यूटर साइंटिफिक कैलकुलेशन तो यूज नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि वो अलग ही तरह के कंप्यूटर होंगे जिनको सुपर कंप्यूटर बोला जाएगा. या फिर बहुत ही हाई लेवल का कुछ आपको काम करना है कंप्यूटर में, तो आपका कंप्यूटर उसको नहीं कर पाएगा, क्योंकि वह जनरल पर्पज है, छोटी छोटी चीजें कर सकते हैं उसमें अलग अलग तरह की, ठीक है. जबकि जो स्पेशलाइज इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा, तो ये तो हो गया मतलब जनरल कंप्यूटर की बात, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको जनरल पर्पज इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात समझा रहा हूँ. तो डीबीएमएस क्या होता है, हमारा एक जनरल पर्पज इंफॉर्मेशन सिस्टम ही होता है. जबकि हमारा जो स्पेशलाइज इंफॉर्मेशन सिस्टम क्यों है, क्योंकि उसमें डाटा है, ठीक है. डाटा का मतलब उसमें एक इंफॉर्मेशन है. जैसे किसी भी कंपनी में एम्प्लॉय का डिटेल होगा, पूरा एम्प्लॉय का डिटेल होगा तभी तो सैलरी बन पाएगी, है ना, वरना सैलरी बनेगी नहीं. तो जो कि हर एक डिपार्टमेंट उस डेटाबेस को यूज करेगा.